Jimmy on a ma Digotolo Dumri टीआई थिएटर एजुकेशन जो एक कंपनी है एनएसडी का, जो बच्चों के लिए परफॉर्म करते हैं हम लोग नाटक, तो हमारा काम ये रहता है कि हम देश भर में जाकर नॉर्थ ईस्ट में और दिल्ली के स्कूल्स में, हर जगह पूरे स्टेट्स के स्कूल में जहाँ से इनविटेशन आती है, हम उनके लिए परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए मेरा ये नाटक भी हम इनको इसको परफॉर्म करेंगे। हम दिल्ली के और दिल्ली से बाहर जितने भी जो स्कूल्स है, स्टेट्स है, अगर हम इनवाइट करते हैं तो उनके लिए हम परफॉर्म करेंगे। हम इस बार एक कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हम इसको विदेश भी ले जाएं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इतना अच्छा है, तो हम विदेश भी जाके इनको इस नाटक को परफॉर्म करने का कोशिश करेंगे। या फिर ये आ से नाटक कर रहा हूँ एनएसडी ग्रेजुएट होने के बाद। और क्योंकि मैं हमारा अरुणाचल में जो है, हम ओरल ट्रेडिशन है हमारा, हमारे वहाँ पे लिपि नहीं है, हमारे पर इतने स्क्रिप्ट नहीं है, और हम अपने चीज़ों को जो ओरली, माँ पिताजी का नाम, भाई भाई अभी परदादा के नाम, ये सब हम अपने ओरली ट्रांसफ़र करते हैं। उसी तरह से हम फोक टेल्स भी, फोक लोर्स, फोक सॉन्ग्स भी ओरली हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो मुझे लगा कि एज ए थिएटर आर्टिस्ट मुझे अपने फोक जो टेल्स है उसे ज़िंदा रखना चाहिए, क्योंकि अभी मॉडर्नाइजेशन के वजह से बच्चे मॉडर्न एजुकेशन और इंग्लिश पॉप कल्चर्स पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और थिएटर ने हमें सिखाया ही कि आप अपने जो कल्चर है और अपना जो ट्रेडिशन है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शुरुआत करूँ अपने फोक टेल्स पे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मैं इस बार जो नाटक उठा रहा हूँ उसका मैंने दो बार किया हूँ, मैं दो बार कर चुका हूँ अरुणाचल में विदाउट एनी फंड। तो ये मौका मिला तो मैंने सोचा कि मैं करूँ। तो ये कहानी तो है तानी और तानियो। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अरुणाचल में हमारा तानी ट्राइब जो है टाइगर को अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो उसके ऊपर है नाटक। और बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि टाइगर अभी एक्सटिंक्ट भी हो रहे हैं, और हम लोग जो इतने हारमोनी के साथ अपने टाइगर नेचर के साथ, हमारा ट्राइबल है, हम लोग किस तरह से हारमोनी में हम रहते हैं, तो ऑनसेम्बल एक काम, मतलब जिस तरह से हम हारमोनी रहते हैं नेचर के साथ, और सन मून को हम किस तरह से गॉड मानते हैं, हमारा वर्शिप सिस्टम अलग है, हमारा बिलीफ सिस्टम अलग है, तो उसको मैं शोकेस करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये नाटक उठाया। टीआई थिएटर एजुकेशन जो एक कंपनी है एनएसडी का, जो बच्चों के लिए परफॉर्म करते हैं हम लोग नाटक, तो हमारा काम ये रहता है कि हम देश भर में जाकर नॉर्थ ईस्ट में और दिल्ली के स्कूल्स में, हर जगह पूरे स्टेट्स के स्कूल में जहाँ से इनविटेशन आती है, हम उनके लिए परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए मेरा ये नाटक भी हम इनको इसको परफॉर्म करेंगे। हम दिल्ली के और दिल्ली से बाहर जितने भी जो स्कूल्स है, स्टेट्स है, अगर हम इनवाइट करते हैं तो उनके लिए हम परफॉर्म करेंगे। हम इस बार एक कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हम इसको विदेश भी ले जाएं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इतना अच्छा है, तो हम विदेश भी जाके इनको इस नाटक को परफॉर्म करने का कोशिश करेंगे। और आपका ये मसाज जो है, मास्क कर दिया, आपका चेहरा ये आगे रहेगा वहाँ पे, और तुम ऐसे करते हो सर, आपको आपके ये देखो यहाँ से मुंह पे ऐसे करके ब्रश करते हो, ऐसे ही करते हो, रखो हाथ ऐसे है, आप देखो ये अलग फीलिंग है, वो देखने में ये आप ऐसे करोगे अलग है, ऐसे रखोगे अलग है, हाँ आप क्या कर रहे हो यहाँ से लेके आगे वो हो रहा है, और क्योंकि डायलॉग खत्म हो गया ना,
मूवमेंट कंटिन्यूटी में है, तो स्लाइडों के ऊपर जरा हम सब देख रहे हैं स्लाइड, ठीक है, वो खासकर इसके विवेक के इसमें भी है, विवेक और इसके जैन के इसमें भी है, दोनों थोड़ा सा वो अलग ही इसमें इसमें कुछ इसके पहले वाले में कुछ जो आपका ये मशाल लेके सब लोग इधर उधर जाते हैं ना, दादाजी आप ये वो बोलते होते, वो बस इधर उधर जाना जैसा फील हो रहा है, उसको 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 ब्रेक करना पड़ेगा, मे भी सिर्फ एक दो लोग आए वो आप वो बोल रहा है दादाजी हो जाना चाहिए। हाँ हाँ नहीं अभी कुछ भी मिक्स नहीं हुआ ना, अभी कुछ भी नहीं हुआ म्यूजिक के बारे में अभी कुछ नहीं हुआ, इसलिए इट्स लेट इट बी। तुम बोलती हो ना कि तुम्हें ताजुम की कस्ती, हाँ ठीक है नाम जो भी बोला, लेकिन वो क्यों कौन है इसका पोता, तुम्हारा पोता, हाँ तुम्हारा पोता, हाँ मिथुन को बहुत बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, टाइगर को उसको, इसीलिए हम ये कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम भी बहुत सजेस्टिव भी होगा, इसलिए अगर इस तरह से चीज़ें जो एम्बियंस और सेट का जो एरिया है वो भी अगर इसी तरीके से इमेजिनेशन से लेकर रियलिज्म और इमेजिनेशन का ब्लेंड हो बहुत बढ़िया, वो हम कर सकते हैं उसी तरह से। ये ऐसे कुछ बना दिया, मान लो इसके ऊपर थोड़ा लैटेक्स डाल के इसको टेक्सचर दे दिया, ये पत्ता थोड़ा ऐसा खुरदरा दाग दाग चुभने वाला जैसा पत्ता हो गया। तेरा भाई कोई आम इंसान नहीं, बहुत शक्तिशाली है, उसे कुछ नहीं होगा, ये कवर उसको दे दे, जा आत्मा वापस आ जाए। किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं? लिजर्ड। लिजर्ड। अच्छा। ये बहुत मुश्किल है यार। स्वाग करते हुए जाते हैं। यहाँ का तो यहाँ जल्दी 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 बुलाओ डायलॉग पोजीशंस को करते हैं ना, याद है? पोजीशन को करते हुए जाते हैं। पर्स से कहाँ तक हुए थे? चलो। पर्स ही Are you getting it, my dear? Okay, जो उसको ये करो बाहर हवा करो। Okay, ये हुआ, ये करो हाँ। किलो 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 कि
ग्रैंड रन जो है हमारा हिसाब से होगा, वो हम जब तैयार होंगे करेंगे इसी, उसमें कोई आएगा नहीं, कोई आएगा तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जा ही रहा हूँ देखने के लिए, तुम लोग प्रॉपर करोगे। चलो चलो ओके चलो। हाँ, और एक चीज़, अगर कोई आता भी है तो हम लोग उसे मना नहीं कर सकते, कुछ कुछ चीज़ें और देख भी ले तो क्या होता है, शेयर करेंगे ना, शेयरिंग होगा, वो कुछ बताएंगे, अच्छा चीज़ सजेशन कुछ होता ही है। जो जनता सारे चीज चेंज हुआ ना, उसको क्या है, कंसंट्रेट करना, आप पीछे माइंड डाइवर्ट होके रहोगे तो नहीं हो पाएगा। और एक चीज, प्लीज स्टेज में आके ड्यूरिंग रन आप लोग मत बोलो ना, रहे तुमको यहाँ जाना। इस प्रोसेस में, जो नाटक बनाने के प्रोसेस में, मैंने बहुत लोगों को बुलाया। पहले तो मैंने डिज़ाइनर्स अरुणाचल से लेकर आया, क्योंकि हम यहाँ से जब डिज़ाइनर्स लाते हैं तो हमको उन्हें हमारे कल्चर के बारे में समझाने में थोड़ी सी क्योंकि कल्चरल जो डिफरेंसेस है, नॉलेज नहीं है। तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें, कुछ लोग असिस्टेंट डायरेक्टर हो या फिर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो या प्रॉपर्टी में जो आए, जो ऑर्नामेंट्स में आए, वो अपने वहाँ से आए। इसलिए मैंने पहले तो कॉस्ट्यूम के लिए गोना निजी को बुलाया, क्योंकि वो हमारे वहाँ हमारे फैशन डिज़ाइनर है वो, और हमारे वहाँ के कल्चर, हमारे वहाँ के कॉस्ट्यूम के एसेंस को लेके, वहाँ के फैब्रिक को लेके काम करती थी, मैंने देखा है। इसलिए मैंने उन्हें बुलाया और उन वो ना ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रही है। उसके बाद जो असिस्टेंट डायरेक्शन में मैंने रिली उमले को बुलाया, वो भी फोक थिएटर को लेकर और चिल्ड्रन थिएटर में और ये फोक टेल्स को लेकर बहुत ही सक्रिय रूप से नाटक करती है, तो इसे मैंने असिस्टेंट के रूप में बुलाया। उसके बाद चाकबी लोम्बी आई, जो कॉस्ट्यूम में असिस्ट कर रही है। ये तो एक हम उसके तौर पे एक्सपर्ट के तौर पे जुड़े, हमें असिस्ट करने के तौर पे जुड़े। और दूसरा, मैंने पहले भी बताया कि हम लोग कम्युनिटी पे बहुत बिलीव करते हैं। आज भी अगर हम गांव में घर बनाते हैं या फिर शिकार के लिए जाते हैं या फिर नदी में जाते हैं, तो हम कम्युनिटी एक साथ फिशिंग के लिए जाते हैं। घर भी हम एक हफ्ते में एक फैमिली का घर बनाते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हम, क्योंकि ट्राइबल है तो हमारे यहाँ पे भी कम्युनिटी के लोग दिल्ली में भी रहते हैं। तो गालोआउ सोसाइटी के जो यहाँ मेंबर है, उसका मैं रिसेंटली एडवाइज़र बना हूँ। तो उन्होंने भी कहा कि मतलब अगर आपको कुछ भी मदद चाहिए तो आप आइएगा, क्योंकि ये नाटक हम हमारे ही कल्चर के ऊपर, हमारे कल्चर को हम शोकेस, उसको थोड़ा सा उसका आइडिया हम दिखाना चाह रहे थे। तो मुझे लगा कि बैम्बू का जो हाथ का काम है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो हमें उसको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, यहाँ दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ हमारे कम्युनिटी के लोग, गालो लोग जो गालोआउ सोसाइटी के दिल्ली में जो रहते हैं, लगभग 400 जैसे लोग हैं, और स्टूडेंट्स को मिला के, तो उनमें से कुछ लोगों को सेक्रेटरी को मिला है, बुलाया, जुमकर रहते को जुमकर ने अरेंज किया, यहाँ दिल्ली पुलिस के लोग आए और हमारे लिए हमारे सेट में मदद किया, हमें बहुत अच्छे से, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये देखिए क्या है, ये आपका एकदम डिजाइन है, सबसे सोफिस्टिकेटेड है। अच्छा, ये बम्बू का ही बनता है? हाँ, बम्बू का। अच्छा, अब ये एकदम बढ़िया से
ये प्रोडक्शन एनएसडी थिएटर इन एजुकेशन कंपनी के अंतर्गत रिकेंग नोमले जो इसके निर्देशक और हमारे टीआई चीफ है वो इसे निर्देशित कर रहे हैं और हम सब कलाकारों ने प्यार से इसे करने की कोशिश की। इत्तेफाक की बात है या जानबूझ के पहने हो? हाँ ये हाँ मेरा कॉपी कर रहे हो ये हमारे ज़्यादा इतना ज़्यादा इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। हमारा ये टीम का ये पैटर्न बन गया है हमारी ये नियॉन यस ड्रेस कोड बन गया है नियॉन जो कि थैंक यू सो मच नियॉन कैरी ऑन यस। हाय मेरा नाम ओएसिस मैं मणिपुर से हूँ इम्फाल से और मैं 2014 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यहाँ से डिज़ाइन एंड डायरेक्शन में पास आउट हुआ। अभी मैं ताना ला तानियो इस प्ले के लिए म्यूज़िक एज ए म्यूज़िक डिज़ाइनर आया हूँ म्यूज़िक कंपोज कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं इम्फाल में मैं ग्रुप चलाता हूँ अपना ग्रुप है द अम्बिलिकल थिएटर करके एक ग्रुप है वो ग्रुप चलाता हूँ और म्यूज़िक बहुत बचपन से मैं म्यूज़िक करते आया और इंटरेस्ट बहुत म्यूज़िक में है सो मैं मैक्सिमम म्यूज़िकल प्ले ही करता हूँ अपने ग्रुप के साथ करता हूँ तब भी और यहाँ पे भी विकेन मंदा ने मेरे को म्यूज़िक के लिए एज एन म्यूज़िक कंपोज़र यहाँ पे बुलाया प्ले के लिए। स्टार्ट हुआ 2013 को 2013 से लेके मैंने 15 तक कुछ काम किए एज ए थिएटर आर्टिस्ट। फिर मैं गई 2015 को त्रिपुरा जहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर थिएटर इन एजुकेशन का है तो उसमें मैंने एक साल का कोर्स किया। फिर ऐसे करने के बाद मैं 2016 को पास आउट हो गई। फिर मैंने काम किया कुछ दो साल फिर मुझे लगा कि चलो मुझे और पढ़ना चाहिए आगे और इंटरेस्ट आया मुझे। अगर इफ़ वी से कि मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट वही था जब मैंने थिएटर एजुकेशन ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैं गई हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ मैंने 2018-19-20 मैंने कंप्लीट किया 21 को मैं निकली। उसके बाद अभी 21 के बाद मैं आई एम हियर वर्किंग एज एन थिएटर आर्टिस्ट फ्रीलांस आर्टिस्ट। टीआई में ये मौका मिला कि हम ये एक बार फिर प्ले करते हैं तो रिकन सर को लगा कि क्यों ना हम ये प्ले करें और हमारा फोक कहानी है फोक स्टोरी है और बहुत अच्छा है स्पेशली बच्चों के लिए और सभी पब्लिक के लिए कॉमन पीपल के लिए भी बहुत अच्छी कहानी है इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो ये प्ले और एक बार करते हैं इसीलिए मैं यहाँ आ गई। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर एज अ म्यूजिशियन मैं बोलूँ तो इट्स अ कंपोजर म्यूजिक कंपोजर इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे वहाँ इफ़ वी से अरुणाचल में ये प्रोफेशंस नहीं है बहुत बहुत लोगों को पता नहीं है कि थिएटर अभी तक है ना बहुत फैला हुआ नहीं है तो यहाँ हम बहुत जल्दी जल्दी चुटकी में लोग सीख लेते कुछ बोले तो भी वो कर लेते ऑलरेडी दे नो उनके अंदर है ये क्राफ्ट ना कहीं बेसिक उनको पता है तो इस चीज़ को लेके बहुत अच्छा हुआ कि हमें बहुत सारे चीज़ें बोलनी नहीं पड़ी वो खुद ब खुद जान गए ये अच्छा रहा मेरे लिए। हर डाली पर फूल खिले और खुशबू है महकी रंग भरी उड़ान लेकर तितली है बहकी रंग भरी उड़ान लेकर तितली है बहकी मोदी नारू इसी नारू बिको सीगी नुनु गमो को हे जी
क्योंकि ये भाई का उसका होगा ना प्रश्न वर्ती गौस नदी पहाड़ पर গস নদী পাহাড় পর্বত ঘুনালি ধাননি পথা ঘুনালি আমার মন তাকে লই জিয়াই থাকু ঘুনালি আমার মন তাকে লই জিয়াই থাকু নদী পাহাড় পর্বত और सुनहरे खे सुनहरा हमारा मन जिए उसी के लिए। ड्रामा का नाम ही तानी एंड तानियो है, तो इसमें ऐसे है कि टाइगर जो है हम लोग अरुणाचल में उसको बड़ा भैया माना जाता है, तो इसके रिलेटेड हम लोग ड्रामा में शोकास करेगा ये पे एनएसडी में। और मेरा जो यहाँ का जो वर्क एक्सपीरियंस है जो मैंने यहाँ पे वन मंथ टाइम स्पेंड किया है, मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। हम लोग अरुणाचल में ऐसे है कि थिएटर का वैल्यू पता नहीं है, थिएटर का रोल पता नहीं है कि एक्चुअल थिएटर क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट नहीं है, कुछ स्कूल नहीं है, इसलिए बहुत लोग को पता नहीं है ऐसा। तो जब मैंने स्टार्टिंग यहाँ पे आया, ये यहाँ के स्कूल का कंपाउंड का टूर किया ऐसा करके, फिर धीरे धीरे हम लोग का रिहर्सल शुरू किया, फिर रिहर्सल के मुताबिक मैंने टीम एक बनाया, जैसे कि कॉस्ट्यूम का टीम, टीम बोर्ड, मूड बोर्ड, कलर बोर्ड, क्योंकि ड्रामा का मुताबिक, कहानी का मुताबिक मुझे कॉस्ट्यूम प्रिपेयर करना था ऐसा था। तो उसके लिए यहाँ पे रिहर्सल कभी कभी रात का 2 बजे 12 आवर्स तो ऐसे मुझे यहाँ पे बैठना पड़ा था। तो उसका बीच में मैंने भी बहुत कुछ सीखा यहाँ से, एनएसडी से बहुत कुछ सीख के मैं जाऊँगी यहाँ से, जैसे कि आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका फिजिकल मूवमेंट को लेके, आपका इमोशंस को लेके, ये सब मैं भी सीख के जाऊँगी। और लास्टली थोड़ा बहुत एक्टिंग भी मैं सीख के जाऊँगी कि आपका इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना, द वे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपका इमोशंस है उसको एक्शन में ये एक्सप्रेस करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ से ये चीज़ सीख के जाऊँगी कि आपका इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना। तो यही है, जब मैं ईटानगर में था तो मुझे रिकेन सर की कॉल आया था, ये मार्च के लास्ट में। तो मुझे 2 महीना पहले मुझे बताया गया था कि ऐसे कुछ प्रोग्राम होने वाला है, हम लोग ऐसे कुछ फोकटेल को हम लोग शोकास्ट करने वाला है। और उसने मुझे ये भी बताया था कि अबोतानी और टाइगर को लेके, अबोतानी का और टाइगर का कहानी होगा कि दोनों का रिलेशन क्या है। तो ऐसे करके तो मैंने मुझे तो बहुत, मैं तो पहले से ही सुन के एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि मेरा ये जो हमेशा जब भी मैं कलेक्शन बनाते हूँ, ये अरुणाचल का कॉस्ट्यूम अटायर, ट्रेडिशनल अटायर और ये कपड़े को लेके हम हमेशा वो करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं ऐसे। तो ऊपर से यहाँ पे फोक टेल है, तो मैं मतलब कॉल में ही मैंने यस बोल दिया था। तो ऐसा कि मैं यहाँ पे अप्रैल का 26 में आया, फिर आके बाकी सब प्रिपरेशन यहाँ पे 1 महीना बैठ के मैंने यहाँ पे कॉस्ट्यूम बनाना, सब कुछ मतलब कहानी, फोकटेल का डिटेल्स पूरा यहाँ पे आके पता चला। तो ये सब प्रिपरेशन जो मुझे यहाँ पे 1 महीना लगा ये कॉस्ट्यूम बनाने में। हम लोग का जो फैशन डिजाइनिंग जो होता है, फैशन शो होता है, और थिएटर का जो कॉस्ट्यूम का जो प्रिपरेशन होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो फैशन शो में क्या होता है कि हम लोग जो ऑलरेडी कपड़ा को घर से हम लोग मेरा बुटीक से बना के लेके आते हैं ऐसा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो ये ड्रामा है, जो कहानी है, जो कहानी का बेसिस में आप जो ये कॉस्ट्यूम जो बना रहा है, तो उसके लिए आपको कहानी को पहले जानना पड़ता है, कहानी कैसे होगा, क्या होगा, कौन सा बेसिस में कहानी बना रहा है। तो ऐसा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हम लोग अरुणाचल का फोकटेल है, तो हम लोग का फोकटेल है तो उसका कलर बेस, मतलब जैसे कि मैट कलर होगा, डल कलर होगा, ऐसे तो ऐसे बहुत डिफरेंस है यहाँ पे ना। तो हम लोग का फैशन शो और ड्रामा का कलेक्शन बनाने में बहुत 100% डिफरेंस है। इस तरह सर्कल की तरह आप क्या जा सकते हो,
गया होगा ना। बाकी लोग किसी ये दिल्ली में नहीं है, ये अरुणाचल से है। अच्छा वही फोन के पास वो उधर सीधा रहमत ही ना। अच्छा ये कौन सी जगह है ये? हाँ, मतलब यहाँ पे क्या होता है? हाँ, ये हमारा अब अभी के लिए शो के लिए प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। देखिए यहाँ कितने सारे मशीन हैं, देखिए यहाँ काम करते हैं हमारे गोना मैम, चग्गू मैम यहाँ काम करती है। और ये सब पैटर्न जो आप देख रहे हो ना, ये स्पेशली अरुणाचल पैटर्नस है इस पर हम काम कर रहे हैं। देखिए और ये सब देखिए एनिमल्स, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन ही एनिमल के ऊपर है शो, देखिए एनिमल प्रिंट। और ये सब कलर्स के साथ हम बहुत खेलते हैं ये कलर्स। मेरे जो अरुणाचल के जो जितने भी यूथ्स है जो ड्रामा में जो इंटरेस्टेड है, तो मेरे साइड से मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप लोग प्रोफेशनली एक्टिंग में अगर जुड़ना चाहोगे तो यहाँ पे एनएसडी में आके आप जो एक्सपीरियंस करने से टिके, क्योंकि ये प्रोफेशनल वाला चीज़ में आप जो प्रोफेशनली कोर्स करेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पे एनएसडी में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हर चीज़ सीखने मिलता है आपका, हर एक पार्ट। जैसे कि आप अगर एक्टिंग लाइन में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो कॉस्ट्यूम से लेके आपका टाइम मैनेजमेंट से लेके इवेंट मैनेजमेंट से लेके प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एवरीथिंग, मतलब एक्टिंग के साथ साथ आप बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैं इससे हम ये कहना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि आज हम कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं, हम एनिमल राइट्स के बारे में बात करते हैं, हम जैसे कि अभी रिसेंटली एक समय में यहाँ चीता भी हुआ करता था इंडिया में, लेकिन अभी वो विलुप्त हो गए हैं, तो फिर अफ्रीका से लेकर आके अभी उसको फिर रीसेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे कम्युनिटी में, हमारे अरुणाचल में हम ये चीज़ पहले से ही ट्राइबल्स किस तरह से बैलेंस के साथ, म्यूचुअल हार्मनी के साथ, एनिमल के साथ रहते हैं ये हम बताना चाह रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन के दौर पे लोग क्या हो गए हैं, इसको सेग्रीगेट कर दिया है, एडवांसमेंट के उसमें प्रोसेस में क्या हो गया है, अभी जो है लोग मेटरलिस्टिक ज़्यादा हो गए हैं, नेचर से दूर रह रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं एक पेड़ लगाना, उन्हें क्या कह रहे हैं, एक पेड़ लगाया मैंने ने नेचर को सेव कर दिया, या फिर उसको एक नोटिफिकेशन के साथ एक सोशल वर्क है इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह का काम हो गया है। लेकिन ये काम जो हम टाइगर कंजर्वेशन या बाकी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे वहाँ पे, हम किस तरह से बैलेंस ट्राइबल लोग हैं, अभी बैलेंस में है ट्राइबल जो कल्चर, उसको मैं तो बताना चाहता हूँ, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। और ये बाय डिफ़ॉल्ट ये भी हो रहा होता है कि एक समय हम लोग सब तो ट्राइबल थे, दुनिया में सब ट्राइबल थे, तो उस समय किस तरह की ज़िंदगी होती थी उसका एक दोबारा रिविजिट, हमारे परदादा कैसे रहते थे उसका एक रिविजिट के लिए हम करना चाह रहे हैं। और हम मैं ये बताने की कोशिश की नेचर को किस तरह से हम अगर उनके साथ म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ अगर हम रहेंगे, उन्हें रेस्पेक्ट करते हुए रहेंगे, तो अपने आप से हमें जो नेचर बचाओ ये बचाओ का हम जो नारा जनरेट करते हैं वो करने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए हमें पीछे जो हमारे परदादा लोग आज से 1000 साल पहले क्या करते थे उसे जानने की ज़रूरत है, उसका एक एक, एक आइडिया प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं स्वप्ना आसाम से हूँ, 2019 से यहाँ बतौर एक्टर टीचर TI कंपनी में काम कर रही हूँ। और अभी हमारा नाटक चल रहा है अरुणाचल ट्रेडिशनल फोक स्टोरी के बेस करते हुए, और ये मेरा सुंदर सा अटायर उसी नाटक का है। मैं एक गांव की लेडी हूँ, और इसे और एक कैरेक्टर है मेरा जो नाटक का नाटक जिस मतलब मेल कैरेक्टर के ऊपर बेस है उसी का चाइल्डहुड मैं प्ले कर रही हूँ, जिसका नाम है तानियो और नाटक का नाम है तानीला तानियो।
सो या बहुत एक्साइटेड हैं हम, बहुत ही ज़्यादा सीखने को. मैं भी असम से हूँ और मेरा पड़ोस है अरुणाचल प्रदेश स्टेट, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें जो हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, पर फिर भी शायद इस तरीके से हम अटैच नहीं हुए थे. अभी जिस तरीके से हम जी रहे हैं इस चीज़ को, कहाँ अरुणाचल प्रदेश, कहाँ आसामी में और कहाँ दिल्ली में ये करना पड़ रहा है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ. थैंक यू सो मच निकेन मामले सर जो हमारे TI चीफ हैं, थैंक यू सो मच NSD, TI कंपनी, होल NSD फैमिली, और आपको भी कि ये मोमेंट आप हमारा मेमोरी की तरह आप सजीव कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं. सिद्धार्थ आपको बहुत बहुत थैंक यू. बाकी या थैंक यू, देखते हैं नाटक में, मिलते हैं, बाय. क्या बोलते रहता है, मैं हूं ना तेरे साथ. उधर देख, इधर वो देख, ऊपर वो. हाँ वो कौन है बोल तो? चंदा. वो हमारे अबो है. अरे वो तो चंदा है, वो पिताजी कैसे बनेगा? ये NSD टाई रिंग है जिसमें छोटे बच्चों के ऊपर काम कराया जाता है, और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है NSD टाई में, रिकेन सर के डायरेक्शन में ये जो नाटक हो रहा है, उसमें जितना भी क्राफ्ट का, बैक स्टेज का जो भी काम है, वो हम, मैं और मेरा एक फ्रेंड है अंकित, हम मिल के कर रहे हैं. और ये मतलब ये क्या तैयार कर रहे हो आप? ये पत्ते हैं जो सेट में ही यूज़ होने हैं. अच्छा, तो इतने बड़े बड़े पत्ते? हाँ जी हाँ जी, ये जो जंगल है. अच्छा, तो पूरा हरा भरा दिखाना है थोड़ा, उसी के अकॉर्डिंग जैसे सेट डिज़ाइन किया है उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं. पहला शो है आज. बहुत बहुत एक्साइटेड है, डर भी लग रहा है, एकदम हार्ट बीट टक 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 कर रहा है, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा. सो बस इतना ही बोलना है, अभी डर लग रहा है. चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. चिंपांजी कैसा लग रहा है भाई? चिंपांजी की तरह था. कैसा लग रहा है आपको मेकअप के बाद? बहुत बढ़िया लग रहा है. और अभी जो मेरा अभी जो कैरेक्टर है वो मंकी का है, तो मंकी का मेकअप हुआ है अभी, और कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह पहनना है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ. आज ग्रैंड रन है, हमने लगातार देर मैंने मतलब बहुत मेहनत किया है, तो अभी ग्रैंड रन है और कल शो है, तो कल शो हमारा 6:30 को है, 6:30. बहुत एक्साइटेड, बहुत एनर्जी फील कर रहा हूँ, एक बढ़िया सा ग्रैंड रन करूँगा, देन कल 3:30 से शो ओपन हो जाएगा. वाओ. विक का क्या करोगे? आप प्रेरणा, आपको कैसा लग रहा है, आपने इन सब का मेकअप किया है, सेटिस्फाइड हैं? नहीं, मुझे ज़्यादा वक्त चाहिए था, बट इट्स ओके, एंड आई एम गोइंग टू अनाउंस दैट आई हैव द माइक. सो थिएटर एंड एजुकेशन कंपनी ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा प्रेजेंट प्ले तानी लता. पहले तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक रंग कनौजिया है, मैं शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से हूँ. मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 2014 बैच से पास आउट हूँ. अभिनय में मेरा स्पेशलाइजेशन है, और मैं उसके बाद, मैं स्पेशलाइजेशन करने के बाद मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ एज एन एक्टर, एज ए मेंटोर, एज ए एक्टिंग डायरेक्टर, और एज ए डायरेक्टर असिस्टेंट के तौर पर भी मैंने काम किया है. बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है. पहले तो जब मैं वहाँ
एनएसडी से पास आउट हुआ, उस दौरान भी एज फैकल्टी, क्योंकि वो खुद यहाँ 2010 के पास आउट हैं, तो उनका फिज़िकल मूवमेंट बहुत अच्छा है, जिसके तहत वो हमें सिखाने आए थे, मतलब ड्यूरिंग द एनएसडी जब मेरा चल रहा था, तो उस समय मैं बहुत प्रभावित हुआ उनके काम से। तो एनएसडी आपको एक साल का फेलोशिप भी देता है, तो फेलोशिप के दौरान मैंने उनको अपना गाइडेंस के तौर पे, मैंने उनके अंतर्गत ही रहकर अपनी फेलोशिप कंप्लीट की। उस दौरान मैं अरुणाचल गया, मैं 40-45 दिन रहकर आया, उनके घर में आना जाना, खाना पीना, बहुत सारी चीज़ें हमने इन्जॉय किया। देन मुझे नहीं पता था कि हम कैसे आफ्टर कोरोना रिकेन सर से यहाँ आके मिलेंगे, तो रिकेन सर यहाँ पे एज चीफ हमें यहाँ पर मिले, और मेरा यहाँ भी 2021 में जब ज्वाइन किया मैंने यहाँ पे एज एन एम्प्लॉई, एज एन आर्टिस्ट, तो यहाँ पे रिकेन सर आए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे, मैं तो इंतज़ाम है मेरे अंदर कि मैं फ़िज़िकल काम करूँ, फ़िज़िकल बॉडी लैंग्वेज के तौर पर, तो जब वो आए तो मैंने बढ़ चढ़ के अपना 100% देने की कोशिश की। जब भी वो कुछ काम कराते हैं, तो इस प्रोडक्शन के तहत जब वो वर्कशॉप करा रहे थे, रिहर्सल करा रहे थे और फिज़िकल मूवमेंट पे काम करा रहे, तो मैं बहुत आगे बढ़कर अपना अपने आप को रख रहा था और अपना 100% देने की कोशिश कर रहा था। तो खूबसूरती से करते करते हम प्रोडक्शन तक पहुँचे, और आज आपके सामने प्रोडक्शन लेकर तानी ला तानियों, जिसमें मैं तानियों की भूमिका निभा रहा हूँ, जो कि टाइगर है। और यहाँ भी जाएंगे तो आप तोज में जाओगे, तो पहले लैंड करेगा, उसके बाद नीचे का वो करेगा, अलग सीन का, हर जगह का अलग हो, उसको आपको छोटा सा चीज भी आप वो कर देता हूँ, वो ना वो आपका एनहांस करता है चीज़ों को, उसी से लगता है कि वाह, दैट्स अ प्रोफेशनल, उनके अंदर है सेंस। हम लोग कभी कभी क्या कर देते हैं, सीन का जो उसको हम ध्यान रखते हैं, हाँ क्या है, क्या करना मुझे, क्या है, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि उसमें हमें कितना, मेरा शरीर कितना वो आवाज़ देना ही नहीं देना, जैसे कि तुम बीच समय में तुम टाइगर हो, तुम्हारा कभी आवाज़ ठप 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 करके नहीं आया हुआ इन एनी सिचुएशन, एंग्री सैंग्री जो भी हो, उधर से तुमको कैसे करके आना, यू हैव टू लाइक, इट हैज़ टू बी वेरी साउंडलेस, इसीलिए वहाँ से शुरुआती वहीं से हल्के से करते हैं। हाँ, रवि बहुत साउंडलेस करके साउंडलेस होके आता है, सो नाइस, जब भी चल के आता है, यू हैव टू हैव दैट क्वालिटी, साउंडलेस, इट्स लाइक फैदर तुम्हारे लिए, कितना हैवी है, लेकिन टाइगर को कभी देखा है, बिल्ली को देखा है, इतना मोटा होता है, चलता कैसा है, बढ़िया तरीके से, एंड देन वो चीज़ तुम लोग लाए हो सैब, तुम लोग वुल्फ में ना, दिस सो नाइस, ये चलता है ना, ये वेरी नाइसली हाँ डूइंग इट, इट्स वेरी नाइसली डूइंग इट, ये ना, हाँ तुम्हें तुम्हारे पोते ताजुल की कसम बोल के, हाँ पकड़ा, ये एहसास है, हाँ ये सपोर्ट है, कहीं पे भी ऐसा जगह नहीं है, तुम्हारा सिर्फ एक मोमेंट है जिसमें पूरा नाटक में जब ऐसे भाग होता है, ऐसे होते हैं, लेकिन ये पकड़, ये टच जो हाँ कब तक मोहित को, कब तक, हाँ जब तक वो नहीं बताएगा, जब बताने के बाद हो सकता है, बताने की वो सब तक देखो, मोहित शुरू करता है और मैं छोड़ दूँ, हाँ मोहित शुरू करता है मत छोड़ दो, मोहित शुरू करता है रखो उसे, रखो, हाँ आज के बाद 70 साल तक तुम नाटक करोगे तब भी ये प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम्स नहीं बोलते, ये इश्यूज होंगे, प्रोसेस रहेगा ये, तो एंड आई थिंक दिस इज द थिंग विच मेक्स अस ब्यूटीफुल, एंड यही है जो आर्टिस्ट को एक आर्टिस्ट बनाता है कि नहीं, हम इस प्रोसेस से निकल के आते हो फिर बेहतर बनते हो, एंड देन या यू बीन वेरी गुड, एंड देन या वी आर फैमिली, एंड दैट्स रॉक, लेट्स डू दिस, ओके, यस एनीवन वांट टू से यस प्लीज, अच्छे से करो, एनर्जी जैसे पॉजिटिव हम लोग रहते हैं ना हमेशा, ठीक है ना, पुश करो एक दूसरे को ना, प्यार बांटो, बस एक दूसरे को आंखों में देखो, है ना, सब चीज चला जाएगा, सब दुख सब दर्द, चलो चलो आ जाओ प्लीज, ये भारत माता की
नाची तानियों मेरे लिए आने भी था और आवो भी था। मेरी ऐसी कोई जरूरत नहीं होती थी जो आची तानियों पूरी ना करे। हम एक साथ रहते, एक साथ खाते, एक साथ गाते, जंगल भी एक साथ जाते थे। ये पीछे का जंगल है ना, वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़, उसके नीचे एक सुंदर सी हिरन। हम दोनों ने उसे दूर से देखा और धनुष पर तीर मारा और धीरे 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 आजी आजी आप बंद कर, मैं दिल्ली कुछ लाया हूँ। देखा है, जानवर जैसे बन गया हो।
बताओ मुझे कहाँ रहते हो? मैं पहाड़ी के पीछे झील के किनारे पर। झील के पास रात को भी? हाँ रात को भी। ठीक है, मुझे भी ले चलो। अरे मैं चाहता हूँ वहां पर कई पक्षी देखने, बगुले देखने, आते हैं रंग बिरंगे कई सारे, जुगनू देखने में अच्छा लगता है मुझे। जुगनू? और इस मौसम में? हाँ मैं देख के आता। अबे वहां मत जाना, हाथियों में झूठा हो। हाथियों को काबू में करना आता है मुझे। मुझे अच्छा लगा, वेरी हैप्पी दैट आई कुड रिप्रेजेंट माई कल्चर टू यूर पीपल
and how I hope that we can present it to other people around the world. Yeah. Tale of history from Arunachal Pradesh in such a way. It was excellent. Every this choreography, acting, so, and it was really excellent. I really encourage you and I really appreciate you. Mumbai has tried its best to reflect or just tried its best to what should I say about it? All his effort has been put to just reflect the culture of or the story behind this. And I'm really happy. And once again, I extend my thanks to all of you. And I hope in future also, all of you come and encourage him. Actually, as you know, we are from Arunachal Pradesh. It's bordering China. People of men. Many of our mainland people, they are not aware of our place, our culture, our people. But he has tried to reflect the tradition or drama of the all those things. And I'm really pleased. Once again, thank you, everybody. Modi Duna Isi Binna. Gede ko karuma Modi duna isi binna Gede ko karuma Yuma gayilgo tani adinsi Doye gayilgo tani adinsi Madir angin go tani anamsi maso arago tani dunamsi modi duna isi binna ngide ko karuma modi duna isi binna ngide ko karuma.